पुर से बड़ी खबर है, ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ओडिशा छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा चला रहे सटोरियों पर कार्रवाई, पुलिस ने 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पासबुक चेकबुक समेत कई एटीएम जब्त, करोड़ों के सट्टेबाजी का हुआ खुलासा। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ओडिशा छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा चला रहे सटोरियों पर कार्रवाई की गई है, पुलिस ने 14 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पासबुक चेकबुक समेत कई एटीएम भी जब्त किए गए हैं पुलिस के जरिए। दरअसल करोड़ों की सट्टेबाजी का खुलासा हुआ है। लगातार पुलिस सट्टेबाजी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एक्शन ले रही है, कार्रवाई भी कर रही है। इससे पहले भी कई कार्रवाइयां हुई हैं और एक बार फिर से ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस का ये बड़ा एक्शन है। 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। रायपुर पुलिस के द्वारा ऑनलाइन बेटिंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में ऑनलाइन बेटिंग के लिए जो खाते उपलब्ध कराए जाते हैं उसकी भी जांच पुलिस के द्वारा कुछ दिनों से की जा रही थी, पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में 3 अपराध रायपुर पुलिस ने दर्ज किए हैं। थाना खमतरी में अपराध दर्ज किया गया, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद फरहान जो कि एक CA है, वो लोगों को खाता खुलवा करके बेटिंग के लिए उपलब्ध करवाता था और उसके लिए फिर वो कमीशन लेता था। उनके ऑफिस से लगभग 14 लाख कैश भी बरामद हुआ है, काफ़ी सारी संख्या में पासबुक, ATM, 21 मोबाइल फोन्स, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। उसमें कुल 8 आरोपियों को अरेस्ट किया। और सुकमा से बड़ी खबर है, जहां इनामी महिला नक्सली का सरेंडर। 8 लाख इनामी महिला नक्सली ने समर्पण कर दिया। पिछले 17 सालों से नक्सल संगठन में ये महिला सक्रिय थी। बीजापुर सुकमा जिले में सक्रिय थी महिला नक्सली माडवी मल्ले उर्फ गंगी ने सरेंडर किया है। प्रशासन की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी गई है। महिला नक्सली ने SP के सामने सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर है सुकमा से, जहां इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। 8 लाख की इनामी महिला जिसने आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले 17 सालों से महिला नक्सली लगातार नक्सल संगठन में सक्रिय थी। आज माडवी मल्ले उर्फ गंगी, ये PLGA बटालियन सदस्य थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस पे 8 लाख का इनाम रखा गया था। ये थाना चिंतलनार की रहवासी है। जो नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है, इससे परेशान होकर पुनः मेनस्ट्रीम में आने के लिए माडवी मल्ले ने सरेंडर किया है। माडवी मल्ले 2004 से नक्सल संगठन में कार्यरत थी और विभिन्न घटनाओं में शामिल थी। उसमें 2010 का ताड़मेटला जो घटना है उसमें भी वो शामिल थी। और रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर रायपुर से, जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सेंट्रल जेल में कैदी की मौत हुई है। बिहार के रहने वाले कैदी पवन राय की मौत हुई है। गंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां जेल में कैदी की संदिग्ध मौत हुई है। तो आपको बता दें, जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बिहार के रहने वाले कैदी पवन राय की मौत हुई है। गंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या वजह रही ये साफ नहीं हो पाया, जांच के बाद कुछ और तस्वीर साफ होगी। बिहार का रहने वाला था कैदी पवन राय, जिसकी जेल में मौत हो गई है। गंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जिसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि मृत्यु हुई है और उसको फिर मल्टी इंटीमेशन के पश्चात में PM के लिए बॉडी को रवाना कर दिया गया। अग्रिम जांच की जाए। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, लूटपाट के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिलासपुर में लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ड्यूटी से लौट रहे युवक से इन्होंने लूटपाट की थी। आरोपियों से रकम, जो लूटी गई रकम है, वो बरामद कर ली गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के छठ घाट की घटना है ये। ये बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां लूटपाट के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लूटपाट करने वाले 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है अब। दरअसल ड्यूटी से लौट रहे एक युवक से इन 4 आरोपियों ने
वारदात को अंजाम दिया था, लूटपाट की थी और आरोपियों से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया आज से दो दिनों तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर, चुनाव समिति की लेंगे बैठक। रविवार को दुर्ग में आयोजित ओबीसी मोर्चा की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। सूरजपुर में पिकअप बाइक में टक्कर, पिकअप पलटने से चालक घायल, स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी। कांकेर में सड़क किनारे ट्रक में जा घुसी कार, हादसे में बाल बाल बचे कार सवार लोग, अंतागढ़ क्षेत्र की घटना। प्रियंका गांधी के 50% कमीशन वाले बयान पर भड़के वीडी शर्मा, बोले कोने कोने में दर्ज कराएंगे FIR। दतिया के पीताम्बरा पीठ में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया दर्शन पूजन, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना, कहा कांग्रेस करती है झूठ की राजनीति। सीधी में तेज रफ्तार ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत, 27 लोग घायल, 6 लोगों की हालत गंभीर, रीवा रेफर, घायलों का सीधी जिला अस्पताल में उपचार जारी, रीवा से सिंगरौली जा रही थी बस। नरसिंहपुर में तेज आवाज वाले साइलेंसरों पर एक्शन, बाइकों से निकलवाए 25 साइलेंसर, पुलिस ने चलाया सुधार अभियान। नागपुर से बीजेपी नेता सना खान की हत्या मामले में अजय साहू नामक कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार, उसके दो साथियों की जबलपुर से हुई गिरफ्तारी, सना खान और आरोपी के बीच हुआ था विवाद। इंदौर में शराब के नशे में भिड़े दो गुट पब के बाहर जमकर चले लात घूंसे, 4 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर में मॉल को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, सैलरी नहीं मिलने से युवक था नाराज, मॉल में हाउसकीपिंग का करता था काम। ग्वालियर में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई, 22 अस्पतालों को नोटिस, 19 का पंजीयन रद्द और 3 को बंद करने का नोटिस, बायोवेस्ट के डिस्पोजल का इंतजाम न होने के चलते कार्रवाई। सुप्रसिद्ध नाट्य सम्राट भिखारी ठाकुर की स्मृति में उमरिया के बांधवगढ़ में आयोजन, 2 दिवसीय नाट्य समारोह में विधायक और कलेक्टर हुए शामिल, बिहार के कलाकारों की प्रस्तुति ने मोहा सबका मन। नरसिंहपुर के सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों ने तोड़ी मर्यादा, नशे में धुत होकर पहुंचे स्कूल, गांव वालों ने शिक्षा विभाग में की शिकायत। मंडला जिले में एक आदिवासी परिवार के 3 बच्चे जूझ रहे गंभीर बीमारी से, इलाज के लिए जरूरत है 16 करोड़ के 3 इंजेक्शन की, सरकार और प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। सतना के मैहर के पास मजदूरों से भरी ऑटो पलटी, हादसे में 20 से अधिक मजदूर घायल, 3 की हालत गंभीर, घायलों में ज्यादातर महिला मजदूर शामिल। भूपेश बघेल ने चयनित लेक्चरर को दिया नियुक्ति पत्र, ITI के छात्रों को दिया प्रमाण पत्र, भूपेश बघेल आज रायपुर को देंगे करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। कल छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जांजगीर चांपा में भरोसे के सम्मेलन में होंगे शामिल, बीजेपी ने दौरे पर कसा तंज, पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा SC वर्ग में जनाधार बढ़ाने की कोशिश। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा में भरोसे के सम्मेलन में होंगे शामिल, कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे खड़गे, PCC चीफ दीपक बैज ने दिया था।